नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उठापटक बेहद तेज नजर आती है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर उनकी प्रत्याशी कंचन जरीवाल को किडनैप करने का आरोप लगा दिया, तो वहीं जरीवाल अपना नामांकन वापस लेने के लिए पुलिस सुरक्षा के बीच चुनाव अधिकारी के ऑफिस पहुंचे। आम आदमी पार्टी ने जरीवाला को सूरत पूर्व विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। जरीवाला के नॉमिनेशन वापस लेने के मामले में अब दिल्ली के डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया चुनाव आयोग पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग में जाने के लिए दोपहर 2 बजे का समय रखा था, लेकिन अब आपातकाल की स्थिति है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इस मामले में बात करनी होगी। सिसोदिया चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं इस मामले में आप नेता राघव चड्ढा लगातार बीजेपी पर जरीवाला पर नॉमिनेशन वापस लेने का दबाव बनाने की बात कह रहे हैं, हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है ये तो आम आदमी पार्टी या बीजेपी ही जानती है। इसी कड़ी में आज बुधवार को राघव चड्ढा ने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सूरत ईस्ट के आप उम्मीदवार कंचन जरीवाला को बीजेपी के गुंडों ने किडनैप कर लिया। कल यानी कि मंगलवार सुबह से आप उम्मीदवार भाजपा की कस्टडी में है। भाजपा इतनी घबरा गई है कि आप उम्मीदवार का अपहरण कर रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे में अब जरीवाला के नॉमिनेशन वापस लेने की बात से चुनाव से पहले राज्य की सियासत में भूचाल आ गया है। क्या कुछ कहा मनीष सिसोदिया ने, क्या कुछ कहा राघव चड्ढा ने, वो भी सुनिए। तो ये बयान आपको सुनवाएंगे, उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सियासी उठापटक गुजरात में लगातार देखी जा रही है। गुजरात में क्योंकि जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से गुजरात की जनता के साथ खड़ी है और गुजरात का जो मॉडल है उसको हम और बेहतर करना चाहते हैं, तो वही बीजेपी 27 सालों से मैदान में है और ये बीजेपी का गढ़ है और किले भेदने की जो कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है उसे नाकाम करने की कोशिश बीजेपी लगातार करती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी हर तरह से बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी फ्रंट फुट पर आकर जवाब दे रही है। अभी हाल ही में जो मसला सामने आया है इस पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगा रही है। गुजरात में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी उठापटक बेहद तेज है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर उनके प्रत्याशी कंचन जरीवाला को किडनैप करने का आरोप लगा दिया, हालांकि वो वापस आ गए, नॉमिनेशन से वापस आ गए हैं। तो अब यह आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी कि पहले तो किडनैप किया गया, उसके बाद उन्हें बहलाया गया है, फुसलाया गया है, जिसकी वजह से नॉमिनेशन वापस लिया गया है। और इसी कड़ी में मनीष सिसोदिया चुनाव आयोग से बात करने की बात कह रहे थे और उन्होंने कहा था कि आपातकाल की स्थिति है, ऐसे में मुझे जल्द से जल्द बात करनी है। जिसके बाद मनीष सिसोदिया जो ऑफिस है चुनाव आयोग का, जो कार्यालय है, उसके बाहर धरने पर बैठ गए और एक के बाद एक फिर आम आदमी पार्टी सियासी हमले करती हुई नजर आ रही है। पुलिस सुरक्षा के बीच चुनाव अधिकारी के ऑफिस वो पहुंचे, नामांकन वापस लिया। आम आदमी पार्टी ने जरीवाला को सूरत पूर्व विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। जरीवाला के नॉमिनेशन वापस लेने के मामले में अब दिल्ली के डिप्टी सीएम आप नेता मनीष सिसोदिया चुनाव आयोग पहुंचे और उनका कहना था कि मैंने 2 बजे का समय रखा था, लेकिन अब आपातकाल की स्थिति है, तो ऐसे में मैं धरने पर बैठ रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सिसोदिया चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे रहे। इस मामले पर लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सिकड़ी में आप नेता राघव चड्ढा भी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और नॉमिनेशन वापस लेने का दबाव बनाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। सिकड़ी में राघव चड्ढा ने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और ये ट्वीट भी आप देख ही रहे हैं। सूरत ईस्ट के आप उम्मीदवार कंचन जरीवाल को बीजेपी के गुंडों ने किडनैप कर लिया, ऐसा आम आदमी पार्टी लगातार इल्जाम लगा रही है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम ट्वीट करते हुए बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें दफ्तर के अंदर की हैं जब आप कैंडिडेट यहां पहुंचे और नामांकन वापस लिया है। यहां पर एक जो सियासी झड़प है वो भी हमें नजर आई है और बीजेपी पूरी तरह से घबरा गई है, ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है। और ये पहले से ही कहती आई है, जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है या जब से जो हलचल है चुनाव की वो देखी गई है, तब से ही आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी हमसे डरी है। संजीव निगम साहब आम आदमी पार्टी नेता है, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। धन्यवाद जी, बताइए। संजीव जी, आम आदमी पार्टी तो सीधे सीधे बीजेपी पर किडनैपिंग का आरोप लगा रही है। बिल्कुल सही बात है, इसमें गलत क्या है? कल सूरत में
कंचन जड़ीवाला जी है, वो उन्होंने अपना नॉमिनेशन कराने के लिए जा रहे थे, तो आपने तो पहले उनको नॉमिनेशन कराने से रोका जी, और बाद में जब उन्होंने नॉमिनेशन पहले प्रयास किया इनका नॉमिनेशन ही कैंसिल हो जाए, और बाद में कहा है मतलब इस तरीके का आप दबाव बना रहे हैं कि तो कंचन जरीवाला की तरफ से तो कोई ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है, ना ही उन्होंने कुछ ऐसा आरोप लगाया है। अरे भाई हमारे जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका ठीक है, आप वो तो क्या ये बीजेपी की हार का डर है, तो अब सीधे सीधे आपको उसमें लग नहीं जाए, भाई सामान्य स्वस्थ परंपरा है चुनाव की, आप होने दीजिए, क्या दिक्कत है आपको, आपको इसमें क्या दिक्कत है, स्वस्थ परंपरा है आप होने दीजिए, लेकिन अगर आप उसकी शक्तियों का बेटा इस्तेमाल करेंगे ये तो अच्छी बात होगी लोकतंत्र के लिए, अगर आप सबकी शक्तियों का बेटा इस्तेमाल करेंगे तो लोकतंत्र में तो कतई उचित नहीं है, ठीक है इस तरीके की बात। लेकिन लेकिन संजीव जी सवाल ये जनता पूछ रही है कि आम आदमी पार्टी कैसे श्योर है कि उनको बीजेपी के गुंडों ने किडनैप कर लिया है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल साहब या मनीष सिसोदिया जी ट्वीट कर रहे हैं। देखिए ऐसा है किसी से छिपी नहीं होंगे, इनका भाई आपको देख रहा है, सामान लादी पिछले 6 महीने हो गए, आपको सतेंद्र जैन जिनको जेल में डाला हुआ है उनका क्या गुनाह है, क्या अपराध है, मतलब आप जान बूझ के परेशान करने का जो इस्तेमाल आपके लिए अजोगी, आप अगर सही तरीके से अपने काम से गुजर सकते हैं, आप जो हमारी जो है जो मीडिया है आम आदमी पार्टी की उससे हम सरकार चला रहे हैं तो आपको उसमें क्या दिक्कत है, आप एक तो जनता का अपमान कर रहे हैं, जनता का सीधे सीधे आप जो है क्या फ्री शिक्षा फ्री इलाज ये क्या अच्छी चीज नहीं है, भारत के लोगों के साथ मिलना नहीं चाहिए, भारत के लोगों को ये होना नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी तो कहती है गुजरात मॉडल टॉप है तो फिर उनको फ्री शिक्षा या फ्री बिजली या फ्री पानी की तो जरूरत नहीं है। नहीं ठीक है वो उनके खौफ में है ना, 27 साल हो गया है गुजरात में, तो 27 साल के बाद अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, अब बेटर ऑप्शन सामने है तो आप उनको क्या डराओगे, उनको धमकाओगे अपने लोगों के माध्यम से, तो कांग्रेस को भी आप कॉम्पिटिटर नहीं मानते। नहीं नहीं कांग्रेस को तो मित्र दे दिया केजरीवाल, कांग्रेस 5 से कम सीटें आई नहीं वाली है तो कांग्रेस तो कहीं गई नहीं इस बार में ना, आप तो खुद आप देखिए कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस तो अब एक अच्छी अच्छी जो है लोगों को वहां पर ऑप्शन मिल रहा है, तो आप जीतिए तो किसी ने नहीं बोला, आप जीतिए धरने पर बैठे, क्या मिला धरने पर बैठ कर सर, आपको क्या मिला धरने से बैठ करके, तो हमने पार्टी बनाई है, हमने सरकार बनाया है, धरने से आपको क्या मिलेगा, तुरंत थोड़ी इसको सबक आएगा भाई, हम तो शुरू में क्या करते थे, हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो धरना दिया और धरने से धरने की कोर्ट से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है, उसके बाद सरकार बनी है भाई, धरना हमारा जो माध्यम है जहाँ नहीं कर पाएंगे, हम थोड़ी आपके तरीके जो है हम नहीं करेंगे, आपको जो स्वस्थ धरने पर बैठकर पार्टी बनाई गई है आम आदमी पार्टी, और जिनके साथ आप धरने पर बैठे थे वही धरने में नहीं है, वही पार्टी में नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक एक करके जो धरने पर आपके साथ बैठकर पार्टी बना रहे थे वो आपसे हट रहे हैं भाई, धरने का धरना संविधान ने अधिकार दिया है ना, धरने के माध्यम से शांति की रोक तरीके कहते हमको झगड़ा कोई गुंडा कर दी ये सब नहीं है ना, और धरना लेने से ये फायदा हुआ, धरने के बाद सामने आम आदमी पार्टी का जो है जन्म हुआ और सरकार को भी याद देख रही है, हमने धरने से कितना लोगों को जन कल्याण के लिए काम कर दिया। संजीव जी ये बौखलाहट ये श्योरिटी आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ने ही यही किया है, बीजेपी ने दबाव बनाने की कोशिश की है, नहीं देखिए ऐसा है जब कोई उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का है पूरी तरह से तैयार है नॉमिनेशन करने जा रहा है, इसके कई सबूत है, सबूत अभी पिछले 2 महीने से बता रहा था, अरविंद केजरीवाल की मीटिंग होती थी जहाँ हम लोग कोई हॉल बुक कराते थे, कहीं से कोई मीटिंग करना है तो उसमें हॉल पे ओनर को फोन आ जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सबूत तो उन्होंने भी नहीं दिखाया, इस तरीके के काम हो चुके हैं, ये पूरी सीरीज चली जा रही है धमकाली की, आप ये ऐसे तो नहीं कर सकते, और ना हम बंदर भंकियों को धरने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल तो मुझे 6 बजे से लगातार जा रहे हैं ना, उनको अगर लोगों का इतने नहीं मिलता, लोगों का नहीं मिलता तो हम वहां बिल्कुल नहीं रहते,
नहीं तो अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ है आप लोग या मनीष सिसोदिया जी कहें वो चुनाव आयोग के पास गए हैं, धरने पर बैठे हैं, अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका इंतजार करिए ना, पहले से पहले ही आरोप लगा दिया। आप आरोप की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने क्या किया बताइए। अरे तो आप कह रहे हैं कि आप औरों से अलग हैं, आप देश की जनता के लिए सोच रहे हैं, आप ये ऐसी राजनीति नहीं करते, तो वही आप कर रहे हैं, पहले से पहले ही आरोप लगा रहे हैं। सत्येंद्र जैन के ऊपर क्या आरोप है बताइए। सर मैं वही आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ। आप बता रहे हैं दिल्ली में शराब घोटाला हो गया, क्या शराब घोटाला हो गया, यही कुछ नहीं। सर मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो बीजेपी करेगी क्या आम आदमी पार्टी भी वही करेगी। नहीं, अगर हम वही करते होते तो हम आज यहाँ नहीं होते, करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आज की बात है, हम अपनी बात संवैधानिक। अच्छा, जरूरत के हिसाब से या समय के हिसाब से आम आदमी पार्टी वो सब करती है जो बीजेपी कर रही है, ये कहने की कोशिश कर रही है। हमारा क्या लेना देना, बीजेपी अपने रास्ते से चली, अपने कर्मों से वो बढ़ रही है, घट रही है, जो वो दुष्टा काम रही है, हमारा क्या मतलब है। वो जो है अपने जो है गुजरात दिया तो बेटर ऑप्शन है या नहीं है तो खैर सर जनता ही तय करेगी कि बेटर ऑप्शन है या नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और भी बाकी से अपनी बात रखने के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर डंके की चोट पर कह रही है कि बीजेपी ने ही करवाया है, इंतजार नहीं किया गया कि जांच होगी, क्या इसमें है, क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, इसका इंतजार नहीं हुआ, सीधे तौर पर आरोप लगा दिया कि बीजेपी ने अपहरण कर लिया है, बीजेपी ने अपने गुंडों को भेजा और गुंडों ने फिर जो आपका प्रत्याशी यहाँ पर नामांकन करने के लिए जा रहा था उसका किडनैप कर लिया गया। उसके बाद जब वो वापस आया तो उसके बाद उन्होंने नॉमिनेशन जो है वो वापस ले लिया है आपका प्रत्याशी कंचन जरीवाला। और साथ ही साथ अब चीजें निकल कर सामने आ रही हैं कि बीजेपी ये राजनीति जानबूझकर कर रही है। राघव चड्ढा साहब कह रहे हैं कि क्योंकि केजरीवाल से डर गई है। मनीष सिसोदिया इस पूरे मसले पर क्या कुछ उन्होंने कहा है, अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे बीजेपी से भी कि आखिर मसला क्या है, क्यों इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी का इस पर अब तक बयान क्यों नहीं आया है। हमारे देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसे समय में अगर एक लीडिंग पार्टी का कैंडिडेट दूसरी पार्टी द्वारा किडनैप करा लिया जाता है तो फिर निष्पक्षता कहां रह गई, फिर इफेक्टिवनेस कहाँ रह गई, कहाँ रह गई उसकी जो प्रभावशाली चुनाव आयोग है हमारा। आज ये चुनाव आयोग के प्रेशर पर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे भी ये सवाल उठ रहे हैं कि एक पार्टी एक कैंडिडेट को उठा लेती है, गायब कर देती है और उसके बाद में चुनाव आयोग सिर्फ ये कह रहा है कि हमने डीएम को बोल दिया है, हमने एसपी को बोल दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा चुनाव आयोग से कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का अपहरण नहीं हुआ है, पूरे लोकतंत्र का अपहरण हो गया है। जब कानूनी कार्रवाई सुचारू रूप से पूरी हो गई थी, जब कागज यानी कि नॉमिनेशन के पेपर्स और कैंडिडेसी रिजेक्ट करने का कोई ग्राउंड नहीं था और स्क्रूटनी में सारे कागज पास हो गए, तो भाजपा के गुंडे हमारे सूरत ईस्ट के प्रत्याशी कंचन जारीवाला जी को वहां से अपनी कस्टडी में ही किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पर ले गए। दोपहर 1 बजे से कंचन जारीवाला साहब का फोन बंद है, उनकी लोकेशन किसी को नहीं पता और बीजेपी के गुंडों ने हमारे कैंडिडेट को किडनैप कर लिया। कुछ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे किस्म के लोग, अराजक तत्व, उनको लेकर जबरन चुनाव कार्यालय में, आरओ दफ्तर में आते हैं, वहां पर पहले प्रयास करते हैं कि इनका नॉमिनेशन रद्द किया जाए और जब नॉमिनेशन रद्द नहीं होता है तो कंचन जरीवाला का अपहरण करके उसको लेकर चले जाते हैं। लगातार ये आरोप लगा रही है कि फोन जो है कंचन जरीवाला साहब का वो बंद था, लोकेशन उनकी नहीं पता थी, ऐसे में उनका कहना है कि बीजेपी ने ही ये करवाया है और जानबूझकर कराया है क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी से गुजरात में डर रही है। जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार जीत रही है, दूसरी तरफ पंजाब को पूरी तरह से
जीता है आम आदमी पार्टी ने, तो अब गुजरात की भी, वो जो गुजरात की जनता है जो प्यार आम आदमी पार्टी को दे रही है उससे बीजेपी डर रही है। सरदार खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। सरदार खान साहब बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। थैंक यू, धन्यवाद। खान साहब, एक आरोप लग रहा है बीजेपी पर कि बीजेपी ने जो आप कैंडिडेट है कंचन जरीवाला उसका किडनैप किया अपने गुर्गो को बेचकर, उसके बाद उन पर दबाव बनाया कि वो नॉमिनेशन वापस ले ले, और हुआ एग्जैक्टली वही। हेलो खान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। खान साहब, एक आरोप लग रहा है बीजेपी पर गुजरात चुनाव में। आरोप ये है कि जो आप कैंडिडेट था कंचन जरीवाला उसका किडनैप किया गया है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के गुर्गों ने किडनैप किया और दबाव बनाया कि वो नॉमिनेशन वापस ले ले। ये सब आम आदमी पार्टी की पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। अगर वो किडनैप किया है तो दोबारा वो वापस आ चुका है, और वापस आने के बाद वो खुद अपना बताएगा कि किसने उसको अरेस्ट किया, किसने उसको जो है किडनैप किया। ये सब जो है राजनीति में मीडिया को अपनी बात रखने के लिए, मीडिया में आने के लिए इस तरीके की चीजें चलती रहेंगी। आम आदमी पार्टी इस काम में मास्टर है। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, अपने आप को लाइमलाइट में रखने की कोशिश है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी हमेशा स्टंट करती चली आई है, इसमें कोई दम नहीं है। पहले मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी गुजरात में अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, ये देख लीजिएगा। तो यही इनकी यही एड़ी चोटी का जोर इसीलिए आम आदमी पार्टी लगा रही है कि कैसे भी करके गुजरात। देखिए गुजरात में तो इनको खाता ही नहीं खुल रहा है मैम। दिल्ली की भी बात अगर करें तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में देख लीजिए, अभी एसीबी ने इनके एमएलए के लोगों को अभी पकड़ा है जो अपनी टिकट बेच कर 90-90 करोड़ रुपए बेच रहे हैं, और यहाँ का फंड लेकर जो है गुजरात में लगाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से शराब नीति दिल्ली में शराबियों को बना दिया और शराब नीति में करोड़ों का घपला किया, सैकड़ों करोड़ रुपए का, वो पैसा फंड पंजाब में इलेक्शन में लगाया। इसलिए आम आदमी पार्टी सिर्फ अपने आप को मीडिया में बने रहने के लिए इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाती रहेगी। अच्छा, इस पर बीजेपी का रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है? इतना बड़ा एलिगेशन यहाँ लगाया जा रहा है, बीजेपी इस पर क्यों कुछ नहीं बोल रही? अमूमन हमने देखा है कि जब भी आम आदमी पार्टी कोई भी आरोप बीजेपी पर लगाती है तो बीजेपी उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। देखिए, पता है कि आम आदमी पार्टी इस तरीके के झूठे आरोप लगाती रहती है, वो सिद्ध तो कर नहीं पाती है, ना उस आरोप में दम होता है, इसलिए समय आने पर उसका जवाब दिया जाता है। आम आदमी पार्टी सिर्फ अपने आप को मीडिया में बने रहने के लिए, हाइप करने के लिए इस तरीके की वारदातें आगे भी करती रहेगी कि हमारे किसी कार्यकर्ताओं को उठा लिया, किसी विधायक को उठा लिया, किसी कैंडिडेट को उठा लिया, ये इन्हीं का सब प्री प्लान चलता रहेगा। तो हमें अभी इंतजार करना होगा बीजेपी की प्रतिक्रिया का। बिल्कुल, बीजेपी की प्रतिक्रिया अपनी जरूर आएगी समय से। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खान साहब हमें समय देने के लिए। तो मसला पूरा ये है कि गुजरात चुनाव जल्द ही होने जा रहे हैं, और सीधी टक्कर, जैसा कि राजनीति के जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि सीधी टक्कर जो है वो आम आदमी पार्टी, जो जुबानी जंग है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। कांग्रेस अच्छा खासा वोट परसेंट रहा है, लेकिन इस बार जो ज़्यादा चर्चा हो रही है, जो लाइमलाइट में आ रही है, वो दो पार्टियाँ हैं, बीजेपी, क्योंकि 27 सालों से बीजेपी का गढ़ गुजरात रहा है, और आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद और पंजाब जीतने के बाद अब कोशिश कर रही है कि गुजरात में भी अपनी धाक जमा दे। अगर आम आदमी पार्टी इसमें सफल हो जाती है तो बहुत बड़ी हार यहाँ बीजेपी की होगी, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है 27 सालों से बीजेपी गुजरात में टिकी हुई है, कोई भी हिला नहीं पाया है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो मजबूत दावेदार जनता को नहीं मिला था, जिस वजह से वो बार बार बीजेपी पर उम्मीद लगा रही थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी मैदान में है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से ओवर कॉन्फिडेंट है कि हाँ आम आदमी पार्टी जीत रही है। तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की जमानत भी यहाँ पर जब्त हो जाएगी, और एक भी सीट पर यहाँ आम आदमी पार्टी निखर कर नहीं सामने आ पाएगी। और जिस तरह से अब लगातार एक दूसरे पर हमलावर है आम आदमी पार्टी और बीजेपी, की कैंडिडेट गायब हो गया, कैंडिडेट का
अपहरण कर लिया गया, कैंडिडेट पर दबाव बनाया गया कि वो नॉमिनेशन वापस ले ले, ये तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, जो एलिगेशंस यहां पर लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा बीजेपी पर वो कितने सही हैं। हालांकि बीजेपी ने इस पर चुप्पी साधी हुई है, हमें इंतजार करना होगा कि बीजेपी इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।